पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। क्रिसमस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हम में से कई लोग झूठ बोलते हैं, कई बार झूठ बोलते हैं। किसी किसी की आदत होती है कि जब कभी वे कुछ सुनते हैं उसके साथ थोड़ा जोड़ के लोगों की भाषा में बोलेंगे तो कुछ मसाला डाल के दूसरों को बताते हैं। वे सच के अलावा और भी कुछ जोड़ देते हैं या पूरी सच्चाई नहीं बताते हैं। किसी किसी की झूठ बोलने की आदत है, हर कार्य में हर बात में झूठ बोलना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत से लोग झूठ बोलते हैं। कुछ लोग तो बहुत झूठ बोलते हैं, कुछ लोग कम झूठ बोलते हैं। शायद ऐसा कोई नहीं है जो झूठ न बोलता हो। हम में से कई लोग झूठ को एक बहुत बड़ा पाप या अपराध नहीं मानते हैं। कई लोग सोचते हैं कि झूठ बोलना एक छोटा सा पाप होगा, ये एक मामूली बात है, कोई गंभीर बात नहीं है। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम ये जान लेंगे कि प्रभु चाहते हैं कि हम परिपूर्ण बने, पिता ईश्वर के समान परिपूर्ण बने। आदिम कलीसिया के लोगों को दूसरे लोग और वे खुद एक दूसरे को संत कहते थे। यरूशलेम के संत, एफेसुस के संत, सेंट्स ऑफ यरूशलेम, सेंट्स ऑफ एफेसुस, क्योंकि वे एक दूसरे को चुनौती देते थे संत बनने के लिए, अपने आप को पवित्र बनाए रखने के लिए। आज भी यह सच निकलना चाहिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 और 4 में हम देखते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया के लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और अपनी संपत्तियों से दूसरों की सहायता करते थे। लेकिन प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 1 से 11 तक के वचनों में हम पाते हैं कि अनानियस और सफीरा, अनानियस और उनकी पत्नी सफीरा अपने खेत को बेच देते हैं। उस समय सभी विश्वासी लोग अपनी संपत्तियों को बेचकर जो पैसा उससे मिलता है उस पैसे को प्रेरितों के चरणों में रख देते थे। लेकिन अनानियस और सफीरा क्या करते हैं, वे अपने खेत को बेच तो देते हैं, फिर उस पैसे का एक हिस्सा वे अपने लिए रखते हैं, बाकी जाकर प्रेरितों के चरणों में रखते हैं। और पेत्रुस उनसे प्रश्न करते हैं। पेत्रुस को मालूम है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पेत्रुस को मालूम है कि अनानियस और सफीरा उनसे कुछ छिपा रहे हैं, क्रिस्तीय समुदाय से, अपने भाई बहनों से कुछ छिपा रहे हैं। तो पेत्रुस सफीरा और अनानियस से प्रश्न करते हैं, क्या तुम लोगों ने तुम्हारे खेत को इतने पैसे में बेचा था? तो उन्होंने कहा, हाँ इतने पैसे में। तो पेत्रुस ये जानकर कि वे धोखा दे रहे थे, झूठ बोल रहे थे, उनसे कहते हैं, तुम लोगों ने पवित्र आत्मा के विरुद्ध, पवित्र आत्मा के समक्ष झूठ बोला है। और फिर वे उनको मृत्यु दंड देते हैं। उसी क्षण वे दोनों गिर जाते हैं और मर जाते हैं। अगर हम इस घटनाक्रम को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे हिसाब से ये छोटा सा पाप था। उसने झूठ बोला है, लेकिन दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं, अपनी संपत्ति के बारे में। अपनी संपत्ति को उन्होंने बेचा था और उसके बारे में उन्होंने कुछ झूठ बोला और उससे शायद दूसरे किसी को हमारे अनुसार नुकसान नहीं है,
तो कोई बड़ा झूठ नहीं है, मामूली बात है। लेकिन आदिम कलीसिया में ये बहुत गंभीर पाप माना जाता था। तो लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और अपने पड़ोसी को धोखा मत दो, झूठ मत बोलो। इसी प्रकार सूक्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 22 में लिखा गया है, प्रभु को झूठ बोलने वालों से घृणा है, प्रभु को झूठ बोलने वालों से घृणा है, किंतु वह सत्य बोलने वालों पर प्रसन्न है। झूठ बोलकर हम प्रभु से दूर हो जाते हैं और सत्य बोलकर हम प्रभु के करीब आते हैं। बहुत सुंदर बातें हैं हमारे सामने, पवित्र ग्रंथ इन बातों को हमारे सामने रखते हैं। संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 44 में प्रभु यीशु शैतान के बारे में कहते हैं, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। और उस अध्याय को, योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 को हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु यहूदियों की आलोचना करते हैं क्योंकि वे झूठ बोलते थे, वे झूठ बोलकर शैतान का साथ देते थे, इसलिए प्रभु उनको शैतान की संतान मानते थे। लेकिन कलीसिया में हम देखते हैं, प्रारंभिक कलीसिया से लेकर झूठ के बारे में पूरी पूरी शिक्षा है कि झूठ हमें बोलना नहीं चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए झूठ से। इस विषय में संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 17 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, पिता को संबोधित करते हुए, तेरा वचन ही सत्य है। ईश्वर का वचन सत्य है। शैतान झूठा है, वो झूठ का पिता है और उसे झूठ से प्रेम है। ईश्वर सत्य से प्रेम रखते हैं, ईश्वर सत्य से प्रेम रखते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन में हो। मार्ग, प्रभु अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन में हो। प्रभु सत्य है, ईश्वर सत्य है। और इसी प्रकार पवित्र आत्मा के बारे में भी प्रभु यीशु कहते हैं कि वह सत्य का आत्मा है। योहन का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 13 प्रभु कहते हैं, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हें पूर्ण सत्य की ओर ले जाएगा। तो प्रभु सत्य है, ईश्वर सत्य है और ईश्वर का वचन सत्य है। प्रभु यीशु सत्य है, पिता ईश्वर सत्य है और पवित्र आत्मा ईश्वर सत्य है। इसलिए जो सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, तो ईश्वर से संबंध जोड़ता है, और जो झूठ बोलता है वह शैतान से संबंध जोड़ता है, रिश्ता रखता है। और इसलिए झूठ बोलने वालों को शैतान के संतान बोल सकते हैं और सच बोलने वालों को, सत्य बोलने वालों को ईश्वर की संतान, यानी ईश्वर की संतानों को सच बोलना चाहिए। भाई और बहनों, हमें इस सत्य को गंभीरता से लेना है। कई बार पाप स्वीकार करने जाते समय हम आसानी से बोल देते हैं, मैं 10 बार झूठ बोला, मैं 15 बार झूठ बोला, मैं झूठ बोलता रहता हूँ, मेरी झूठ बोलने की आदत है। इसमें हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। हम यही नहीं सोचते हैं कि दूसरे लोग इस विषय में क्या सोचेंगे, क्योंकि हम इसको एक मामूली बात मानते हैं। लेकिन झूठ कितना बड़ा पाप है हमने देखा,
प्रेरित चरित्र अध्याय 5 से प्रेरित कलीसिया में, प्रारंभिक कलीसिया में इसके बारे में क्या विचार था। एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 4 वाक्य 23 से 25 तक के वचनों में कहते हैं, आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाए और एक नवीन स्वभाव धारण करें जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। इसलिए आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें और एक दूसरे से सच ही बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। संत पौलुस विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि आपको सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभु का वचन हमें समझाता है कि हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ये गंभीर पाप है, पवित्रता से हमें दूर रखता है। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा, जिसको कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च कहा जाता है, CCC, कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा के पद संख्या 2482 के अनुसार, झूठ का अर्थ है धोखा देने के इरादे से अवास्तविक बातें प्रस्तुत करना। तो हमें कभी भी अवास्तविक बातों को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हम जो सुनते हैं, जो हमें अनुभव से प्राप्त है, उसके साथ और कुछ नहीं जोड़ना चाहिए, उसमें से खटाना नहीं चाहिए, जैसे है वैसे ही उसको प्रस्तुत करना चाहिए। झूठ बोलना पाप है और एक गंभीर पाप है। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा पद संख्याएं 2475 से लेकर 2487 तक वचनों में यह बताया गया है कि झूठ किस प्रकार का अपराध है, और पद संख्या 2483 में कहा गया है झूठ सत्य के विरुद्ध सबसे सीधा अपराध है। झूठ बोलना सत्य के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध अपराध है, और इसीलिए इससे हमें दूर रहना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा पद संख्या 2484 में झूठ की गंभीरता को हम चार बातों के आधार पर माप सकते हैं, यानी चार बातों के आधार पर झूठ की गंभीरता को मापा जा सकता है। ये चार बातें कौन कौन सी है? पहली बात, उसके द्वारा यानी झूठ के द्वारा विकृत किए गए सत्य की प्रकृति। झूठ बोलने से हम सत्य को विकृत कर देते हैं, और कितना हम विकृत कर देते हैं सत्य को, उतना ज्यादा गंभीर बन जाता है ये पाप। दूसरी बात, परिस्थितियां, किस परिस्थिति में हम झूठ बोलते हैं, उस पर भी पाप की गंभीरता, इस पाप की गंभीरता निर्भर है। तीसरी बात, झूठ बोलने वाले के इरादे, किन किन लक्ष्य को लेकर, किन किन इरादों को लेकर हम झूठ बोलते हैं, इस पर भी आधारित है इस पाप की गंभीरता। और चौथी बात, उसके पीड़ितों को हुई क्षति। झूठ बोलने से हम दूसरों को क्षति पहुंचाते हैं, और उस क्षति के आधार पर भी झूठ के पाप की गंभीरता को मापा जा सकता है। तो हमें इस बात को गंभीरता से लेना है, और आगे बढ़ते बढ़ते हमें झूठ से दूर रहना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा पद संख्या 2485 में हम पढ़ते हैं, अपने स्वभाव से ही झूठ की निंदा की जानी चाहिए। यह बातचीत का अपवित्रीकरण है, जबकि बातचीत का उद्देश्य ज्ञात सत्य को दूसरों तक पहुंचाना है। बातचीत का उद्देश्य, हम जब दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, उसका उद्देश्य है सत्य को
हमारे अनुभव से, ज्ञान से हमें प्राप्त सत्य को दूसरों के पास पहुंचाना, दूसरों तक पहुंचाना। लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं, हम उस लक्ष्य के विरुद्ध पाप करते हैं। तो भाई और बहनों, हम थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान दें। संत अगस्तीन कहते हैं, हर परिस्थिति में झूठ बोलना पाप है। संत थॉमस अक्विनस ने भी कहा कि हर परिस्थिति में झूठ एक पाप है। हम उस ईश्वर में विश्वास करते हैं जो सत्य है, सत्य के पिता है, और सत्य की संतान होने के नाते हमें झूठ बोलना बंद करना चाहिए और सच बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो इसी के लिए हम सत्य की आत्मा से प्रार्थना करें कि वे हमें सच बोलना सिखाए और शैतान के फंदों प्रपंचों से दूर रखें। आप सबों को जय यीशु।